तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरण और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप रविवार को लखीमपुर खीरी में हुआ। हिंसा के बाद से ही केंद्रीय मंत्री विपक्ष के निशाने पर है। आरोप है कि उनके बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शनकारी किसानों पर SUV गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। बाद में भड़की हिंसा में 4 और लोगों की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चल रही तूफानी सियासत के बीच विपक्ष के निशाने पर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म है और तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए। रविवार को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद से ही केंद्रीय मंत्री विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष उनका इस्तीफा और आरोपी बेटे की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। आरोप है कि उनके बेटे आशीष मिश्रा ने प्रदर्शनकारी किसानों पर SUV गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। बाद में भड़की हिंसा में 4 और लोगों की मौत हो गई थी। किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का कथित वीडियो भी वायरल हो रहा है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आशीष मिश्रा ने किसानों पर फायरिंग भी की है। किसानों द्वारा दर्ज FIR में कहा गया है कि मंत्री के बेटे की गाड़ी सड़क के दोनों ओर किसानों को कुचल दिया, जिसके बाद चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी खाई में लुढ़क गई, जिसके कई लोग घायल हो गए हैं। प्राथमिकी में कहा गया है कि इसके बाद मंत्री का बेटा गाड़ी से उतर गया और अपनी बंदूक से फायरिंग करते हुए गन्ने के खेत में भाग गया। इस बीच मामले में काउंटर FIR भी की गई। BJP कार्यकर्ता सुमित जायसवाल ने इसे दर्ज कराया है। प्राथमिकी में किसी को नामजद नहीं किया गया है, बल्कि अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, मारपीट और बलवा करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इधर घटना से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें खून से लथपथ एक शख्स यह कह रहा है कि गाड़ी में भैया आशीष मिश्रा थे। घायल शख्स का कहना है कि वह थार की गाड़ी के पीछे काले रंग की फॉर्च्यूनर में सवार थे, जिसमें 5 लोग थे। कार के पिछले हिस्से में बैठे शख्स ने दावा किया कि वह गाड़ी कांग्रेस के एक पूर्व सांसद की थी। इसके बाद वह कार का प्लेट नंबर देता है। यूपी सरकार ने लखीमपुर खीरी में पीड़ित किसान परिवारों से विपक्षी नेताओं को मिलने की इजाज़त न देने के मामले में यूटर्न ले लिया है।